तो हमने आपको बताया ही कि शर्लिन चोपड़ा ने साजिद खान के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है और साजिद को जल्द से जल्द बिग बॉस के घर से बाहर निकालने की बात कही है। इसी पर ही अब राखी सावंत का रिएक्शन सामने आया है। साजिद खान के ऊपर भी शर्लिन चोपड़ा बहुत सारे एलिगेशन लगा रही है। पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरा कोई केस नहीं ले रहा। साजिद खान बहुत कसूरवार है लेकिन एक भी पुलिस वाला केस नहीं ले रहा। क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है, जब उसने कोई उसके खिलाफ कोई आया ही नहीं पुलिस स्टेशन में, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, कोर्ट ने उसको सजाए फांसी या काला पानी की साजिद खान को सजा ही नहीं दी, तुम मेकअप 4 किलो का लगा के साड़ी पहन के मीडिया के सामने जाके दूसरों पे दोष लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चुल्लू भर पानी में डुबके मर नहीं जाते तुम? किसी पे दोष लगाने से पहले 10 बार सोचो। ये मीडिया है, दूध का दूध पानी की पानी कर देगी। अब पुलिस को भी पता चला कि केस में दम ही नहीं है। ये मैडम रोज उठे नींद से उठ के आके कंप्लेंट करती है, कभी मेरे भाई राज कुंद्रा के लिए, कभी मेरे भाई साजिद खान के लिए। क्या है इसको प्रॉब्लम? आप बताओ क्या प्रॉब्लम है इसकी? अभी थोड़ा हम 6 महीने रुको, अभी किसी और रेप का केस लेकर आएगी। अरे बहन, तुम तो अभी साड़ी पहनना अभी सीखी हो ना, तुम्हारा देखो तो सही, तुमने क्या क्या पहनकर प्लेट में खुद लेकर गई हो कि खाओ मुझे, ये गलत बात है ना? पहले खुद तो सुधरो फिर दूसरों को सुधारने बैठो। राखी के इस बयान पर दर्शक दो गुटों में बटे हुए हैं। कोई राखी को शर्म करने की बात कह रहा है तो कोई कह रहा है कि राखी ने सही बोला। आप लोगों को क्या लगता है, क्या राखी की ये स्टेटमेंट गलत है या फिर राखी की बात बिल्कुल सही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।